बेलतरड़ी पुलिस स्टेशन अंतर्गत जमीन के नकली दस्तावेज तैयार कर महिला समेत 5 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। मिली जानकारी के अनुसार गोदनी रोड महाराणा नगर निवासी आरोपी राकेश गुप्ता, स्वाति राकेश गुप्ता, संजय बाग कॉलोनी, राजीव गांधी नगर निवासी इमरान अली व अख्तर अली हाशमी माडा कॉलोनी, कलमना बस्ती निवासी दीपक गजानन बिस्ने, प्रमिला नंदा नागदेवी इनकी ओर से तैयार किए गए लेआउट में से मुकन क्रमांक 86 के मूल मालिक प्रमिला नंदा नागदेवी के नाम के नकली दस्तावेज तैयार कर उनके स्थान पर नकली महिला को खड़ा कर अलग अलग तारीख में द्वयम निबंधन कार्यालय में मुकन क्रमांक 86 के 2 बार बिक्री पत्र तैयार कर लिए गए। मामला यह है, कर्नाटक बैंक है मनीष नगर में, वहाँ पे आरोपी राकेश गुप्ता और इमरान अली इन्होंने प्लॉट के जाली कागजात बता के वहाँ से 30 लाख रुपए कर्जा उठाया और सारस्वत बैंक है, सारस्वत बैंक से भी 40 लाख उठाया, वहाँ पे भी बनावट कागजात दाखिल किया उन्होंने, और बैंक सारस्वत बैंक और कर्नाटका बैंक दोनों बैंक के 70 लाख के उन्होंने धोखाधड़ी किया है, उनके खिलाफ गुना दाखिल किया है और उन लोगों को अटक किया है। बाकी तपास के बाद पता चलेगा कि और कितने लोग हैं उसमें, अभी वो अरेस्ट है और उनका PCR लिया जाएगा, चौकसी के बाद पता चलेगा और उसमें आरोपी है या नहीं। तैयार किए गए नकली दस्तावेज कर्नाटक बैंक शाखा मनीष नगर में प्रस्तुत किए गए, जिसके आधार पर गृह कर्ज 51 लाख मंजूर कर 30,37,000 रुपए उठा लिए गए। साथ ही सर्वस बैंक शाखा अजनी से भी इसी भूखंड क्रमांक 86 के नकली दस्तावेज पेश कर 60 लाख का कर्ज मंजूर करा लिया और वहां से 40 लाख रुपए का कर्ज उठा लिया। जब बैंक में दस्तावेजों की जांच की गई तो सारा मामला सामने आया है। इसके बाद इस घटना की शिकायत कर्नाटक बैंक के मैनेजर ने पुलिस में की। पुलिस ने शिकायत के आधार पर आरोपियों के खिलाफ भानवी की विविध धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। कैमरा पर्सन माइकल रामपुरी के साथ क्षितिजा देशमुख की रिपोर्ट।